हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन। आई एम आकांक्षा नायक और आज हम सभी क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमने स्टेट्स तक पढ़ लिया था कि हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं। वो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने आपको बता भी दिया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सेल्फ आंसर करना है। आते हैं 1.4 पर। कैन मैटर्स चेंज इट्स स्टेट? तो इसका क्लियर कट आंसर क्या आपको नहीं पता? मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकती है या नहीं? आइस जो है, जब वो इवेपोरेट जो है वो लिक्विड वाटर बन सकता है, तो यानी वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, और वही वाटर जो इवेपोरेट कर जाता है वाटर वेपर्स में, तो यानी वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर 1.12 एक्टिविटी, इसमें दिखाया है टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इन कॉन्टैक्ट विथ आइस एज इन फिगर 1.6। इस तरीके से आपको अपना बनाना है। ये ए पार्ट में दिया हुआ है। कन्वर्शन ऑफ आइस इंटू वाटर, इसमें क्लियरली हमें वही पता है कि आइस वाटर बन सकता है, तो यानी स्टेट चेंज हो सकता है। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to this, the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with great speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when solid melts and is converted into liquid. तो यानी सॉलिड कब लिक्विड में कन्वर्ट होता है? जब उनका जो है इतना ज़्यादा काइनेटिक फ्लो एनर्जी जो है बढ़ जाता है कि वो जो है अपने अट्रैक्शन का फोर्स को भी ज़्यादा हो जाता है, ओवरकम कर देता है, तब ये ज़्यादा फ्रीली उसके मैटर मूव करने लगता है, और एक स्टेज आता है जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। The melting point of ice is 273.6 K। ये मार्क कर लीजिए। केल्विन जो है ये होती है टेम्परेचर की SI यूनिट, और एक केल्विन जो है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के होता है, इक्वली होता है, जिसके बारे में हम अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कह रहे हैं एज दिस हीट इज सो वॉट हैपन्स, कि जब हमारा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, आइस इज अब्जॉर्बिंग द हीट, बट थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो हीट है ये अब्जॉर्ब हो तो रही है, यूज़ तो हो रही है, बट ये हीट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तोड़ने में इस्तेमाल हो जा रही है, और इसलिए जो ये हीट जो है हिडन हो जा रही है, और इस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। सो वॉट डू वी कॉल इट? लेटेंट हीट। Now, when we supply heat energy to water, particles start moving even faster and जो है वो अपना ब्रेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी के वजह से अपना अट्रैक्शन को, और जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। The temperature at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. Boiling point कहते हैं जब हमारा ऐसा temperature जिस पर liquid जो है boil होना start हो जाता है normal atmospheric pressure पर, जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस का है तो 0 + 100 समझ लिया, तो 273 + 100 यानी 373 केल्विन। और यहाँ आपको दिखा रहा है सॉलिड में जो है, सॉलिड जो है अगर उसको हीट मिलेगी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और ज़्यादा और लिक्विड स्टेट को हीट मिलेगी और तो गैशियस स्टेट में आ जाएगा। गैशियस स्टेट जो अगर कूल होगा तो लिक्विड बनेगा, और कूल होगा लिक्विड तो बनेगा सॉलिड। ये चीज़ थी। अब आते हैं 1.13 पे। हमें कहा है टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, उसे क्रश करके चाइना डिश में रख दिया, और जो है ऊपर से कॉटन लगा दिया। तो ये क्या हो रहा है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड, जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है या कैम्फर जो भी आपने लिया है, वो जो है सीधे सॉलिड फॉर्म से जो है गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही स्टोर हो जा रहा है, क्योंकि हमारा ऊपर कॉटन प्लग किया हुआ है हमने। तो आपको इस प्रोसेस में जिसमें अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विथआउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
तो यानी सब्लिमेशन हो रहा है इसमें, क्योंकि जो है लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो रही, सीधे सॉलिड सी गैस। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैस पे, तो आप देख सकते हैं गैस पे तो हम इसको जो है सप्रेस कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, कंप्रेस होने से ये कम स्पेस ले लेता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हमें गैस को लिक्विड फॉर्म में करना है तो हम अप्लाई करें प्रेशर, रिड्यूस करें टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसके टेम्परेचर में 1 एटमॉस्फेयर का कमी आ जाए। 1 एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर इज़ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, PA। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 × 10⁻¹⁵ पास्कल। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब यही दिखा रहे हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि सॉलिड का फ्यूजन होगा तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड जो है अगर वो वेपराइज करेगा गैस बनेगा, और गैस से सॉलिड जो होता है ये सब्लिमेशन, और सॉलिड से गैस भी सब्लिमेशन। लिक्विड सॉलिडिफाई करेगा तो सॉलिड बनाएगा, और अगर गैस कंडेंसेशन करेगा तो लिक्विड बनाएगा। ओके गाइस, इतना क्लियर है। आते हैं क्वेश्चंस, आप सॉल्व करिए, कोई डाउट है तो हमें बता दीजिएगा। इवेपोरेशन, हमें जो है बहुत अच्छे से पता है कि इवेपोरेशन जिसमें हमारा जो लिक्विड है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वाटर वेपर बन जा रहा है, गैसीय स्टेट में जा, इसी के बारे में बता रहे हैं। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अप विद द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इंटू वेपर। दिस प्रोसेस और फिनोमिना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो है हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतना हाई हो जाता है कि प्रेशर को जो है हमारा जो प्रेशर पड़ रहा है इनको कंबाइंड रखने में वो जो है कम पड़ जाता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। 1.5.1 फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। फर्स्ट फैक्टर, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सरफेस एरिया जितना हाई होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा, और कम रहेगा तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई है तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो इवेपोरेशन जल्दी नहीं होगा। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर जो है ज़्यादा रहेगी तो हमारा एटमॉस्फेयर एक लिमिटेड अमाउंट तक वाटर वेपर को अपने अंदर रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, डेफिनेट अमाउंट होता है। तो इसलिए अगर ह्यूमिडिटी कम है तो जल्दी इवेपोरेशन होगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बहुत स्लोली हमारा इवेपोरेशन होगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंग स्पीड के इंक्रीज से जो है हमारा इवेपोरेशन पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो है आपने देखा होगा हम कपड़े टांग देते हैं और वो अगर हवा चल रही जल्दी सूख जाते हैं विंड की अपनी पावर के वजह से। हाउ डज इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग, ये पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर, जो है हम इसको क्लियरली पढ़ते हैं कि जब वाटर जो है क्या होता है कि द पार्टिकल्स, जब हम जो है अपने पाम पे जो है नील पॉलिश या नील रिमूवर लगाते हैं तो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉसिंग द पाम टू फील कूल। तो वो इवेपोरेट करते तो वो अपने साथ सराउंडिंग का हीट और पाम की हीट में से कोई एक लेते, अब वो हीट अब्जॉर्ब करेगा तो कूलिंग का इफेक्ट आएगा। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन, ये भी इसीलिए ताकि इवेपोरेशन हो और हॉट सर्फेस का हीट वो ऑब्जॉर्व करे और कूलिंग इफेक्ट मिले। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, हम जब समर्स में क्लोथ्स पहनते हैं तो पसीने होते हैं, तो यही कॉटन का एडवांटेज यहाँ मिलता है। द हीट, अब जो कह रहे हैं कि कॉटन क्या करता है, गुड अब्जॉर्बर होते हैं, इसलिए उस वो जो है उस पसीने को अब्जॉर्ब कर लेता है और जो है उसको एटमॉस्फेयर में फिर वो आसानी से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से। दिस कॉसेस कूलिंग। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स इन आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के जब आप रख देते हैं किसी ग्लास में या बॉटल में तो उसके बाहर वाटर वेपर्स आ जाते हैं, मतलब वाटर आपको दिखता है, ऐसा क्यों होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है।
इन क्वेश्चंस को आंसर कीजिए एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी। अब आते हैं मोर टू नो कॉर्नर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नाउ देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा जो है ये सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटिक पार्टिकल्स से बना होता है। द पार्टिकल्स आर इन फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस और इसका जो यूज़ होता है फ्लोरोसेंट लैम्प्स और नियॉन साइन बल्ब्स में होता है। प्लाज्मा इसमें क्या होता है, नियॉन साइन बल्ब्स में देयर इज़ नियॉन गैस एंड इनसाइड फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज़ हीलियम गैस और सम अदर गैस। द गैस जो है वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, इससे जो है चार्ज जब फ्लो करता है तो प्लाज्मा अपना जो है ग्लोइंग इफेक्ट शो करता है, इसीलिए इसका यूज़ होता है इन दोनों में, यानी हमारे FLCF जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में और नियॉन गैस में भी जो है नियॉन गैस ट्यूब बल्ब में भी इसका यूज़ होता है प्लाज्मा की ग्लोइंग इफेक्ट के कारण। BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन 1920 द इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस और बोस के साथ आइंस्टाइन ने कई सारे काम एक साथ किए हैं। इसके लिए जब इन्होंने बताया कि जो है BEC के बारे में तो जो है 2001 में नोबल प्राइज़ भी मिलना, किन किन को मिला वो नोबल प्राइज़ मिला, एरिक ए, कॉनवेल, वॉल्फगैंग कैटल एंड कार्ल ई। और जो है ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को BEC कहते हैं। ये जो है जब एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कूलिंग करते हैं, पहले उसको बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी पहुँच जाते हैं, लगभग 100 या 1000 टाइम डेंसिटी जो नॉर्मल लेयर की होती है। और इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको वेबसाइट का नाम भी दे दिया है www.chem4kids.com। होप यू लव दिस चैप्टर एंड एन्जॉयड इट और सब समझ में आया। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपको लिंक में फर्स्ट वीडियो की पार्ट 1 की लिंक दी हुई है। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।